खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी में मुजफ्फरनगर के खतौली में शुक्रवार को आई एम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशों पर विरोध प्रदर्शन दिवस मनाया है। आक्रोशित चिकित्सकों ने सड़कों पर उतरकर हाथों में तख्तियां लेकर योद्धाओं की रक्षा करो नारे के साथ चिकित्सा पेशे से जुड़े डॉक्टरों एवं कर्मियों पर हमले रोकने की मांग के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन दिवस मनाने का फैसला किया था। साथ ही योद्धाओं की रक्षा करो नारे के साथ चिकित्सा पेशे से जुड़े चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों पर हमले रोकने की मांग भी की। वैश्विक कोरोना महामारी में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी की ओर से अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा पिछले 15 माह से कर रहे हैं, उसके बावजूद समाज के कुछ लोगों की ओर से चिकित्सकों और कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर चिकित्सकों में भारी रोष देखा गया। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वॉरियर्स पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिनमें कई डॉक्टरों की हड्डी टूटी, यहां तक कि महिला डॉक्टरों के साथ भी अभद्र और हिंसक वारदात हुई है। बावजूद इसके चिकित्सकों ने बिना रुके बिना थके जनसेवा में लगे रहे। असामाजिक तत्वों की ओर से पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अफवान अख्तर की रिपोर्ट। अभी भी हर अस्पताल में रोजाना ये खबर सुनने को मिल रही है कि फला डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, उसे बहुत ज़्यादा मारा गया। आसाम में अभी एक डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, उसकी कई हड्डियां तोड़ दी गई। मुझे आपके समूह से भी थोड़ी नाराजगी है, यदि एक चोर चोरी कर लेता पब्लिक उसे मारती है, हर अखबार में ये आता है कि पब्लिक ने गलत किया। डॉक्टर के साथ अन्याय होता है, डॉक्टर के साथ मारपीट होती है, पत्रकार महोदय भी इसकी भर्त्सना नहीं करते।